प्यारे दोस्तों, जय हिंद। मैं थोड़ा अपना शिवराज खन्ना, असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर। इहदा मतलब कि मैं महकमा फूड सप्लाई विभाग विच नौकरी कर रहा। अज रात दे 4:15 बज गए ने। रात की कह सकते हैं, अज 23 तरीक है। सिर तड़के ते कह सकते हैं सुत्ता नहीं, क्योंकि मन बेचैन सी, कुछ मन दे विच खुशी भी सी। कई बारी खुशी नाल नींद भी नहीं आती, कई बारी बेचैनी नाल भी नहीं आती। अज बेचैनी इस गल दी सी कि यार, मैं बड़े लंबे अरसे तो सोचता ही कि विजिलेंस विभाग कोई काम नहीं करता, बस किसी भी केस की खाना पूर्ति करके उन्हूं पेपरां तक सीमित करके खत्म कर दिंदा। पर मैनू एक गल की खुशी यह सी कि नहीं, मैं किते ना किते गलत सी। जो अज विजिलेंस विभाग ने मेरी सोच नू गलत करता, वो ये सी। तुहानू सारयां नू पता है कि जिवें अज एक 2000 करोड़ जां 2500 करोड़ दे टेंडर कपले दे विच फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू नू रेस्ट किया, यह एक बड़ी वड्डी उपलब्धि है। पर इस उपलब्धि नू होर भी वड्डा किया जा सकता है। वो किदां? विजिलेंस विभाग ते सरकार दी निगाह दे विच इह कपला लगभग 2500 करोड़ जां 2500 करोड़ दा, जदकि मेरी निगाह दे विच इह कपला 25000 करोड़ तो 30000 करोड़ तक हो सकता। तुसी सोचदे होवोगे कि इह की कह रहा, इन्ना वड्डा डिफरेंस कित्थे 2500 करोड़ जां 2000 करोड़, कित्थे 25000 करोड़ जां 30000 करोड़। ए मित्रों, एक गल बिल्कुल सही है, ते इस गल नू चुटलाया नहीं जा सकता। इस गल नू इस करके चुटलाया नहीं जा सकता कि जिवें अज एक मंत्री नू फड़िया, ठीक है, उन्नू उन्दे कपड़े उतार के उन्नू चंगी तरह झाड़ के, जिवें आपां टंगदे आ ना किल्ली दे उत्ते, उन टंगदा जावे ना, उन्दे चो 25-30000 करोड़ रुपया आराम नाल बाहर आ सकदा। उन्दे विच किंदी किंदी जमूलियत है, वो तां विजिलेंस विभाग ने पता ला ही लैणा, क्योंकि इह गल बड़ी औखी है पता लाउणी, पर नामुमकिन नहीं। नामुमकिन इस करके नहीं, जदों उन्हां ने कपड़े ला के झाड़े ना जोर च छंड के पाए किल्ली ते, ते फिर तां पता लग ही जाणा। गल ये है कि जिवें हुण तुहानू पता है कि एक FIR दर्ज कीती है, उन्दे विच कुछ अफसर साहबान नू भी इनवॉल्व किया गया, ते अफसर साहबान भी कोई धरने ला रहे ने, कोई कुछ ला रहे ने, कुछ कम दा बाइकाट कर रहे ने। चलो ठीक है, उन्हां दा हक बनता है, ते जिहड़े मुलाजम भी काफी हद तक साथ दे रहे ने, देना भी चाहीदा। पर मैं इन्हां अफसर साहबानां नू बेनती करदा वां, इह मेरे नाल बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ने, बहुत उच्चे अहुदे ते, ते बहुत बुद्धिमान ने। शायद मेरी इन्नी बुद्धि नहीं कि मैं इन्हां नू कोई सलाह दे सकां, पर एक निमाणा जिहा शख्स होण दे नाते एक सलाह दिंदा वां कि समां बदल चुका, हुण उह पुरानियां गल्लां नहीं रहियां। हुण लोकां दी सरकार है, आम आदमी दी सरकार, ते आम बंदा ही इत्थे राज करता पिया, ते आम बंदे दी सुनी जा रही। तुसी एक आम बंदे, आम नागरिक बन के विजिलेंस डिपार्टमेंट कोल जाओ, साडे मुख्यमंत्री साहब कोल जाओ, बाकी डिपार्टमेंट दे जिहड़े नुमाइंदे ने, खरी एजेंसियां दे नुमाइंदे, उन्हां दी लोड़ पैंदी होवे तुहाडे नाल जाणगे, ठीक है ना, ते उत्थे जाके सच दसो कि साडे उत्ते इस लीडर दा, इस अफसर दा प्रभाव सी, जां जोर सी, जां धक्केशाही सी कि सानू आह काम करना पिया, किरपा करके साडे ते रहम करो, ठीक है। मैनू लगदा कि विजिलेंस विभाग इस गल तो पिछे नहीं हटेगा, जां साडी सरकार पिछे नहीं हटेगी। दूजी गल, ठीक है, चलो ये बाकी जांच का विशा है, कौन कसूरवार है जां कौन कसूरवार नहीं, इस दा फैसला मेरे हथ विच नहीं। पर मेरा यह सोचना है कि आपां नू ये धरने लाउण नहीं छड्ड के जाके
बह के और सच बोल देना चाहिए, क्योंकि वेखो इन लीडर दे जो आप मैं भी मुलाजम हाँ जो आप नौकरी करते हैं ना उदो साढ़े उत्ते इन्हां लीडरां का बहुत प्रभाव हुंदा है। जे अहीं इन्हां दी कोई गल नहीं मानते साढ़े नाल बड़ा माड़ा सलूक किया जाता है, जिसकी मैं जींदी जागदी मिसाल हाँ, तुहानूं सारयां नूं पता मेरे बारे, ठीक है ना जी। अपना इन्हां दी गल्लां मननियां भी मजबूरियां हुंदियां। और रही गल प्रदर्शना दी, इदां प्रदर्शन ना करिए, आपां जाके रिक्वेस्ट करिए तां कि आपां रल मिल के अगे भी फ्यूचर दे विच सारे कम्मां नूं चला सकीए और इमानदारी नाल चला सकीए। मैं सब तो पहलो तां विजिलेंस विभाग नूं जो मेरे दिल दे विच जां मेरे दिमाग दे विच छवि बनी ही उहनूं मैं क्लीन करदा आं, सब तो पहलो सल्यूट करदा वां। इस करके सल्यूट करदा वां कि तुसीं अपना कम इमानदारी नाल करना शुरू कर दिता, इह बहुत वड्डी उपलब्धि है तुहाडी और सलूट के काबल भी हो। अज एक चीज मीडिया विच वेखण चाहिए, सवेरे सवेरे साढ़े लुधियाने तो एम पी श्री रवनीत बिट्टू जी ओ पत्रकार वार्ता दे विच प्रेस दे सामने बोल रहे ही कि साडा निमाणा जा एक गरीब मंत्री जिंदे नाल गरीब मार कीती जा रही है। हसो ही नहीं गल ओ बिट्टू जी, तुसी बहुत स्याने हो, संसद दे विच चुने गए हो, किन्ने मतलब वड्डे परिवार नाल संबंध हो, तुसी एक देश भगत परिवार नाल संबंध होने दे बावजूद भी एहो जिहियां उच्चियां गल्लां करो सही नहीं। कि तुहानू नहीं पता कि किस लैवल दे घपले होए ने, ठीक है तुसी पार्टी दे मगर डटे हो डटे रहो पर झूठा ना डटो। अज जिवें तुसी विजिलेंस दफ्तर गए सानू गिरफ्तार कर लो, ठीक है बहुत वधिया कदम लगा तुहाडा, पर गिरफ्तार कर लो दा मतलब ये नहीं गा कि असी जाके इन्नी गल कह दांगे सच्चे हो जांगे। सच्चे होने लई सच्चे काम करने पैने हैं, वो गल्लां नहीं चलनियां, ठीक है। मेरी तुहानूं ये बेनती है कि तुसी सच दा साथ दिओ ते एवें जाके झूठियां ना करो, तुसी जाके आप कहो कि असी आ गए जे साडे कोल जो भी क्वेश्चन करने जे जो भी इनक्वायरी करनी है कला कला जाओ कि मैं फलाने विभाग का मंत्री रहा फलाना एमएलए रहा फलाना एमपी रहा जी मेरे को पुछो, जब मैं गलत हाँ तो मैनू हुणे रेस्ट कर लो, मैं भावे जिथे मर्जी सुट दो, पर ताडे दिल दे विच तुहानू ही पता बहुत वड्डा डर बैठा है, जिहड़ा डर अज विजिलेंस ब्यूरो भगवंत मान जी की सरकार ने ताडे अंदर होर डूंगा करता है। क्योंकि गलत काम तो होए ने, हुण जिवें मैं तुहानू कहा तुसीं टेंडर घपला 2500 करोड़ जां 2000 करोड़ का रौला पै रहा, जदकि मैनू लगता है जिदा उन्होंने झाड़ के किली ते टंगिया ना ये 25000 30000 करोड़ तक पहुंच जाना, ठीक है ना। हुण दूजी एक गल ये है ते वेखो अमृतसर दे विच किन्ने कांड होए, कोई नहीं किया गया, मेरे वालों किन्नी जोरदार तरीके आवाज बुलंद की गई, अपनी जान नू खतरे च पाया गया, पर किसे नहीं मेरी सुनी, मैं किसे नहीं मतलब कि कांग्रेस सरकार ने नहीं सुनी, कांग्रेस दे सरकार दे टाइम दे विच ही मैं खुल के अपनी जान नू खतरे दे विच पा के ये आवाज बुलंद करन दा बीड़ा चुकिया। अमृतसर दे विच तीन कांड होए, पहला कांड 20 करोड़ दी कणक दा कपला, ओ ए ही कि एक इंस्पेक्टर कहिंदे ने कि 20 करोड़ दी कणक वेच के रफा दफा करके खुरद बुरद करके ते बाहर भज गया। कि तुसी ये मन सकदे हो कि ए कपला एक इंस्पेक्टर कर सकदा, वेखो मैं विभाग दा एफएसओ हां पर मैं नहीं मन सकदा, पब्लिक भी नहीं मान सकती, होर मेरे तो उच्चे अधिकारी भी नहीं मान सकते, वो इस करके नहीं मान सकते, मैं तो चलो इस करके नहीं मंगदा कि मान सकता कि हो नहीं सकता, जेडे मेरे तो उच्चे अधिकारी ही लीडर ही ना इस करके नहीं मान सकते कि वो इनवॉल्व सी विच, ठीक है। एक तो हो गया ए, उदो बाद मेरे वालों बड़े जोर शोर ना मुद्दा उठाया गया नंगली ओपन कंपलैक्स वेरका केंद्र दे विच जिहड़ा पैंदा, ठीक है, उत्थे जम्मू जां होरना जगह तो कणक लिया गए
ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਢੇਲੀ ਦੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਗਲੀ ਸੜੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵਸੀਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਘਪਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DFSC ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਘਪਲੇ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਘਪਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਂਚ ਚਾਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਆ, ਕੀ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3 ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ PR ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ 2 ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੇ 2 ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਛੰਡ ਕੇ ਟੰਗ ਦੋ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾਏਗਾ? 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਇਸ ਦਿਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰ ਚੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਝਟਕਣੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ। 2000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਪਲੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
मैं तो चलो एक एम पी साहब नूं ये भी कहना कि एम पी साहब एडे एहोजे गरीब जिन्होंने 25-30 हज़ार रुपए का करोड़ का कपला किया ना, एडे बेचारे गरीब ने शायद रोटी भी ना पकती हो तो ही ना एक इदा करो एक छोटे एक गोलक ना हर महल च पंजाब च लवा दो कि उन्होंने रोटा रोटी पानी गुजारा आ जाए। लोग कोई ना कोई दान पात्र वाल लिख दो उत्ते कि भारत भूषण आशु दान पात्र, शायद फिर भावे ढिड भर जाए। 25-30 हज़ार करोड़ का कित्थे भर लगा, ठीक है। और जिन्ना चिर विभाग दे विच एहो जियां राज रिशी मेहरा वर्गियां मछलियां जिन्ना दे उत्ते इन्हां लीडरां दा ते ओ तीन चार जिहड़े अफसर है उन्हां दा आशीर्वाद है ना, उन्ना चिर ए सही नहीं जी हो सकता। तुसीं वेखो जिन इन्हां ने गरीब जनता दियां जिंदगियां नाल खिलवाड़ कीता, ओ कणक लोकां च वंडी, ओ गंदी कणक घटिया कणक बदबूदार जहरीली कणक वंडी। ओ माई गॉड, रब ही राखा जे, पता नहीं परमात्मा भी इन्हां नूं शायद कि जन्म च सजा दवे जां कुछ करे, ये रब दे वस जे। पर मैं विजिलेंस विभाग नूं बेनती करदा कि ये सारा केस तुहाडे कोल है, ते जांच तां करके वेखो, ये सारे कपले बाहर आए ने। बाकी जिहड़ा मैं 25-30 हज़ार करोड़ की गल करदा पैना कपला, वह भी इन्हां नूं झाड़ो, मुश्किल जरूर जे पर ना मुनकर नहीं तड़ ली, क्योंकि तुसीं जिहड़ा बीड़ा चुकिया ना विजिलेंस विभाग, ये काबले तारीफ है। पहली बारी मैं कह रहा दिलों कह रहा तुहानूं, कोई मैं मस्का चस्का नहीं ला रहा, ना मैं पंजाब सरकार नूं मस्का ला रहा मैं। और दूसरी गल एक होर, जिवें आपां ने अफसर साहबान जिहड़े कुछ पर्चियां दे विच इनवॉल्व होए, मैं उन्हां नूं फिर कहना वा मेरे वीरो तुसीं मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी कोल जाओ, महकमे दे मंत्री श्री लाल चंद कटारू जी कोल जाओ, विजिलेंस विभाग दे आला अफसर अधिकारियों को जाओ, उन्हां नूं सच दस दो, ढिड झाड़ दो उन्हां अगे कि साडे ते आप इन्हां दा आ लीडरां दा अफसरां ने जोर पाया ही, सानूं प्रेशर कीता ही, असीं की कर सकदे आ दसो, ठीक है। मैं ज्यादा गल्लां नहीं होर करनियां, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बस यह है कि मैं एंड ते आम आदमी की सरकार, आम जनता की सरकार, साडी सरकार, ठीक है, उन्हूं सल्यूट करदा और विजिलेंस विभाग नूं सल्यूट करदा कि जो इस टाइम सच्चे दिलों कार्रवाई कर रही है। इन्हां लीडरां नूं मैं एक गल होर दसदा, तुसीं जिहड़े भी सरकारी मुलाजम है उन्हां नूं ना 4 साल 364 दिन आपदे पैर की जुत्ती दे थले रखदे जे। तुहानूं एक होर गल दसदा, 4 साल 364 दिन तो बाद एक दिन होर हुंदा जे, उह हुंदा जे 365वां दिन। 365वें दिन ये जिहड़े कर्मचारी हुंदे ना पब्लिक दे रूप च तब्दील हो जांदे आ, अफसर हुंदे आ पब्लिक दे रूप च तब्दील हो जांदे, वोटां फिर पाउंदे ने ते जिहड़ी पैरां दे विच तुसीं जुत्ती रुढ़ ली दी ना उह सिर दे इत्थों तक पहुंच जांदी है, और इत्थे इन्नी जोर च असर करदी ना ਉਹ ਸਾਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ एम पी साहब के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ओनू ही झाड़ के वेखो तुहानू की निकलता विचों। 2000 तक सीमित नहीं रहनी गल, 2000 करोड़ तक या 2500 करोड़ तक सीमित नहीं रहनी, यह बड़ी दूर तक जानी जे, 25-30 हज़ार करोड़ तक जानी जे, मेरे को लिखा लो। बाकी मैं पंजाब सरकार दे सरदार भगवंत मान जी, साडे महकमे दे वजीर साहब श्री लाल चंद कटारू जी और विजिलेंस विभाग के आला अफसर साहबान बेनती करता वा कि मैं मेरी किसी टाइम भी लोड़ पवे मैं हाजिर जी। हूँ मैं 4:15 वीडियो बना रहा तड़के नींद ना आने करके, तो मैं फिर भी ये भावें तो इस टाइम भी बुलाओगे मैं तभी हाजिर होऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9855488
1111 98 554 8 11 11।